पाटीदार समाज संगठन द्वारा त्रैवार्षिक समाज संगठन का गठन किया जाता है। इसी प्रक्रिया में रविवार के दिन बागली तहसील क्षेत्र के एक निजी स्कूल परिसर में पाटीदार समाज संगठन की जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में जयराम पाटीदार एवं तहसील स्तरीय निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पाटीदार समाज संगठन व युवा सरदार पटेल संगठन एवं महिला संगठन की जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया, जिसमें तीनों समितियों में निर्विरोध अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। सभी जिला प्रतिनिधियों द्वारा समितियों के अध्यक्ष एवं अन्य पद पर संगठन के गठन प्रक्रिया में सभी जिला प्रतिनिधियों द्वारा समितियों के अध्यक्ष एवं अन्य पद पर समाजजनों की सहमति से नियुक्ति किए गए। इस दौरान देवास जिले के समस्त 5 तहसील से पाटीदार समाज के लोग एकत्रित हुए, जिनकी उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। के निर्देश पर देवास जिला पाटीदार समाज संगठन की वर्ष 2022-23-24 के लिए जिला संगठन गठन किया गया है और इसके नवनियुक्त अध्यक्ष मुख्य संगठन के रूपचंद जी, सूर्या जी, डेरिया साहू, युवा संगठन के अध्यक्ष सुनील जी पाटीदार बड़ी चुल्ला है और महिला संगठन की प्रीति जी, बद्रीलाल जी देवास को सभी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया। क्या ग्राम स्तर पर भी समितियों का गठन हुआ है? इसके प्रक्रिया विगत 2 माह से चल रही थी, इसको लेकर ग्राम समिति बनी, ग्राम के बाद तहसील समिति बनी, तहसील समिति के बाद जिला समिति का गठन किया गया है। आने वाले कुछ दिनों बाद प्रदेश संगठन का गठन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।